आज हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 1294वां उर्स हम सबको मुबारक हो। आज मैंने बाकायदा इसका इफ्तिदा किया है। मेरे हमरा सेक्रेटरी औकाफ, एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं। यहाँ आज पाकिस्तान की सलामती, बका और मईशत से मुतल्लिक दुआ की और करवाई गई। हम सब इस उम्मीद से कि इन बुजुर्गान दीन के वसीले से अल्लाह ताला हम पर रहम और करम फरमाए और जिस माशी बहरान में हम फंसे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इससे ज़रूर निकालेगा। हम सब मिलके दुआ भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं। मैं अभी इस्लामाबाद से यहाँ कराची आया हूँ, 3 दिन इस्लामाबाद में था। तीनों दिन जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए और कैसे चलेगी उसी में हम सब कोशा हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज जो दुआ की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अल्लाह के वो वली और नेक बंदे हैं कि अल्लाह ताला इनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो हिस्ट्री है और आज हम सब का ये मानना है कि इनके पास आकर इनके वसीले से जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगा जाता है अल्लाह ताला उसको सुनते हैं। आज मैंने ये दुआ भी की है कि कराची और सिंध में जो गर्मी की शिद्दत है अल्लाह ताला उसे भी कम करे, बारिशों का सिलसिला शुरू हो और ऐसी बारिशें हों जिससे हमें नुकसान ना हो, क्योंकि दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उससे भी हमें नुकसान पिछले 2 सालों में हुआ है। अल्लाह ताला उसे भी हमें महफूज रखे। और ये जो मुहर्रमुल हरम का महीना शुरू हो रहा है इसमें भी अल्लाह ताला हमें हर किस्म की दहशतगर्दी से महफूज रखे। मैं यहाँ पर सैयदना मुफस्सिल, जो कि सैयदना है बोरा कम्युनिटी के, सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। पाकिस्तान आने पर वो आ रहे हैं और ये मैं आज मीडिया से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया इसलिए उनका अदा कर रहा हूँ कि मैंने उनकी जो जमात के लोग मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें ख़त लिखा था आज से 15 दिन पहले, क्योंकि बाकी भी 5 मुल्कों से उन्हें ख़त लिखे गए थे, लेकिन मुझे बोरा कम्युनिटी की जमात ने बताया कि सैयदना साहब ने मेरे लिखे हुए ख़त पर खुशी का इजहार किया और कराची आने का फ़ैसला किया है। मैं उनकी पूरी जमात को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो कि उनकी जमात बता रही है कि 50 से 60 हज़ार लोग कराची आएंगे, इंशाअल्लाह ताला मईशत पर असर पड़ेगा। सैयदना साहब आके यहाँ दुआ कराएंगे, अल्लाह ताला उनकी भी दुआएं सुनेगा। इसी तरह हमारे गरबी साहब जो पिछली बार भी आए थे और आयतुल्ला गरबी साहब को भी मैं वेलकम करता हूँ, वो भी 5 जुलाई को कराची पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के ज़रिए हमारी दुआओं को सुने और हम माशी तौर पर पैरों पे खड़े हो जाएं। आज भी यहाँ आकर यही एक मकसद है कि जिन मसाइल से हम गुज़र रहे हैं और जिसकी पूरी कोशिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज़ शरीफ साहब भी
और हमारे सिपे सलार जनरल आसिम हाफिज मुनीर साहब भी SIFC के तहत कोशा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। और मैं यहाँ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन जो मैं इस्लामाबाद में था, मेरी UAE एम्बेसडर उनके सफ़ीर से मुलाकात हुई, वो सिंध में थ्रू SIFC इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि सिंध में भी बड़े पैमाने पे सरमायाकारी आएगी। मेरी कल तुर्किया के सफ़ीर एम्बेसडर से मुलाकात हुई, वो भी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों में तआवुन के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बिन कासिम में तुर्किया से कोको कोला की फैक्ट्री वो लगा रहे हैं, इंशाल्लाह चंद दिनों में उसका इब्तिदा होगा, कई हज़ार मुलाजमतें मिलेंगी। इसी तरह से बाकी भी जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब के, बाकी ममालिक के, कतर के, कुवैत के, सभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये हम पर मुनस्सिर है कि हम एक कौम बनकर इस सरमायाकारी से फ़ायदा उठाएं और अपने लोगों को पैरों पे खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर कोशा हैं और इसकी एक कोशिश हमने गवर्नर हाउस में भी की हुई है। आप सभी के इल्म में है कि जहां 50,000 बच्चे IT के कोर्सेज कर रहे हैं, वहां अगले माह से चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज, तुर्किया की ज़बान के कोर्सेज, जर्मन लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू कराए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और ये मुकम्मल फ्री होंगे। मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने इस सूबे के लोगों को पैरों पे खड़ा करना, उनको मुल्क में और बैरून मुल्क रोज़गार दिलाना। आज 3 रोज़ा ये उर्स है, मैंने अपने ज़ाती हैसियत में यहाँ तकरीबन 900 से 1,000 देगों का, बिरयानी की देगों का इंतज़ाम किया है। यहाँ पर 20,000 से ज़ायद पानी की बोतलों का, कोल्ड ड्रिंक का, जूसेस का इंतज़ाम किया है और यहाँ ये 3 दिन हमारा ये स्टॉल लगा रहेगा। मैं ख़ुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। यहाँ आने वाले तमाम ही साइलीन को, जिस पर मैं हमारे पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ ASP साहब, SSP साहब सारे मौजूद हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो मैनेजर हैं इस अब्दुल्ला शाह गाजी ट्रस्ट के, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं और इंशाल्लाह 3 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। लोग आएंगे, उनकी खिदमत और उनके आने पर उन्हें मुश्किलात ना हो, उसके बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से ये 3 दिन गुजारेगा और हम सभी लोग जो यहाँ आएंगे वो अपनी अपनी दुआओं के साथ साथ, मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान के लिए, अपने सूबे के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले और हम आगे की तरफ बढ़ें। और इंशाल्लाह ताला मेरा ये ईमान है कि हम इस मुश्किल से इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। मैं उन तमाम के तमाम लवाइकीन से भी इज़हारे ताज़ियत करता हूँ जो पिछले 10 दिनों में इस कड़ी गर्मी की वजह से या बीमारी की वजह से वफात पा गए हैं। कई 100 अमवात हुई हैं जो मीडिया ने रिपोर्ट की है। इन्नल्लाहे व इन्नल्लाहे राजीऊन, अल्लाह ताला उन सब के दराजात बुलंद करे, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन हम सब को भी मनसल कौम लोगों के लिए इंतज़ाम करने हैं। जगह जगह जब तक ये गर्मी का सिलसिला है,
जो ही साहिब सरवत लोग हैं वो अपने घरों के बाहर रोडों पे जिस तरह हम सबीले लगाते हैं वो लगाएं, पानी का इंतज़ाम करें, ठंडे पानी का इंतज़ाम करें। मैं ख़ुद बहसियत कामरान कसूरी मुख्तलिफ मकामात पे पानी का इंतज़ाम करवा दिया है और भी करवा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। मैं एक दफ़ा फिर एनर्जी मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करूँगा कि तीनों दिन जब मैं इस्लामाबाद में था तो मैं टीवी पर मुख्तलिफ कराची के इलाकों की रात को रोडों पर टायर जलाने की बाकी तस्वीरें देखता रहा हूँ। लोग मुश्किल में हैं, 16-16 घंटे 18-18 घंटे इस शिद्दत की गर्मी में लोड शेडिंग का होना किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। के इलेक्ट्रिक को भी मैं तंबीह करता हूँ कि वो भी कम से कम इतना किबला ज़रूर दुरुस्त कर लें। इस गर्मी के दिनों में वो लोगों पर थोड़ा रहम करें, हमें मजबूर ना करें कि हम भी कोई ऐसा कदम उठाएं जो आईन और कानून के ख़िलाफ़ हो। हम आईन और कानून में रहते हुए उनसे मौदबाना दरख्वास्त कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनका आप गाहे बगाहे ज़िक्र करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अल्लाह के लिए करनी है, उसकी मखलूक के लिए करनी है। हमें इतना जुल्म नहीं करना कि एक शख्स जो बीमार हो या कोई शख्स जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों वो 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सके। तो मेरी हाथ जोड़ के इलेक्ट्रिक के लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस गर्मी के दिनों में लोड शेडिंग को कम करें, लोगों को बिजली मुहैया करें। हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए, इसकी आवाम के लिए वो कुछ करें जो आइंदा आने वाली कई सालों में याद रखा जाए। हर एक को अपना हिस्सा डालना है, हर एक को अपना काम करना है, यही आज यहाँ इस इफ्तिदा की दुआ का मकसद है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करें। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है कि जिस शहर में समंदर हो और लोग पानी के लिए तरसे और पानी खरीदें। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में जिस वफ्द ने मुलाकात की है, वहाँ जो 4-5 मेन पॉइंट्स हैं उसमें ये पॉइंट मेन एजेंडे पे था कि जो कराची के लोगों पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, चाहे वो पानी पर टैक्स हों या बिजली के रेट ज़्यादा हों या ताजिर बिरादरी और सनतकारों के ऊपर मज़ीद टैक्सेस हों। उन्होंने वादा किया है और कराची के लिए फंड्स देने की बात की है, K4 के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं, और जब तक ये K4 कंप्लीट नहीं होगा तो यही इश्यूज चलते रहेंगे। तो हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि K4 पर फौरन फिल 4 जो उसके बजट में तखमीना रखा गया है उसे देकर इस K4 के मंसूबे को मुकम्मल कराया जाए। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पर खुसूसी तवज्जो देंगे और आने वाले दिनों में पानी का मसला कम से कम कराची से हल कर दिया जाए। सर, K4 का मसला जो है वो अभी तक क्यों हल नहीं हो रहा है? इतने साल गुजर गए, कराची के लोग 2008 से अब तक सफ़र कर रहे हैं, क्यों नहीं मनसूबा कंप्लीट हो रहा? आपने उनसे बात की है जब, तो क्या आपको? देखिए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं तनकीद किसी पे करना चाहता हूँ। क्या वजूहात थी, क्यों नहीं हुआ, हम इससे आगे की बात कर रहे हैं कि अब कम अज़ कम जल्द से जल्द इसे कम्प्लीट हो जाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है
کہ اس ٹینیور میں وزیراعظم پاکستان اس پر خصوصی توجہ دیں گے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ ایک سے کئی زائد انیشیٹیوز گورنر ہاؤس میں اس وقت چل رہے ہیں. کل بھی ہم نے 42 لوگوں کو 42 لوگوں کو جو بیل آف ہوپ پر آئے تھے ان کو کروڑوں روپیز کے لاکھوں ان کو ملے ہیں, تو کروڑوں روپے کے چیکس کل کی ڈیٹ میں ہم نے دیے ہیں. اور بزنس جو روزگار اسکیم ہے وہ بھی چل رہی ہے. ہم نے بچوں کو فری بریکفاسٹ سیلانی کے ساتھ ان کے تعاون سے شروع کیا ہے, وہ بھی چھٹیوں کے بعد شروع ہو جائے گا. راشن ڈسٹریبیوشن ڈیلی بنیاد پر چل رہی ہے. آئی ٹی کے تینوں سیشنز چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 12, 13 اور 14 جولائی کو حیدرآباد میں ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں بھی کلاسز شروع ہو جائیں گی, اور اس کے بعد سندھ کے 6 اضلاع میں یہ آئی ٹی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح سے جیسے ہم بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ کے یہ سارے انیشیٹو چلا رہے ہیں, بہت سارے صاحب ثروت لوگ آگے آئیں اور اپنے ذمے یہ کام لیں. ہمیں اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے آ کے کلچر چینج کیا ہے, ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں, گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام کر دیا ہے, صرف دعوے اور وعدے نہیں تھے, یہ آپ سبھی جانتے ہیں. آج جو شخص قیدی نمبر 408 بنا ہوا ہے, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دور میں صرف دعوے تھے, وعدے تھے کہ گورنر ہاؤسز کی دیواریں گرا دی جائیں گی, گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیز بنا دی جائیں گی, گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا ہوگا. یہ آپ میڈیا گواہ ہے اس بات کا کہ ان کے دور میں جو گورنر یہاں موجود تھے انہوں نے ایک دن بھی نہ کوئی یونیورسٹی پر میٹنگ کی, نہ اس کا قیام کیا, نہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی. ہم نے گورنر ہاؤس کی دیوار گرا کر وہاں آئی ٹی گیٹ سندھ بنایا, ہم نے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنائی, ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو وعدے ان کے تھے اس کو ہم پورا کرتے جا رہے ہیں عوام کے لیے, اور آئندہ بھی اسی طرح عوام کے ساتھ کھڑے رہ کر عوام کا کام کریں گے انشاءاللہ. شکریہ بہت.